सो फ्रेंड्स गाइस, डोरेमोन एक लॉन्ग रन एनिमे है, बल्कि वह एनिमे बस कार्टून के लिए, फ्रेंड्स के लिए। बहुत ही अच्छा एनिमे है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद है। एंड हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन है। तो डोरेमोन का सक्सेसर है 1979-2005, अभी 2005 का चल रहा है। 2013 और 2018 का ना बल्ला हो गया डोरेमोन का, यानी सबका बहुत ही बड़ा डोरेमोन है। बट आपको पता होगा कि आपको अच्छा पता होगा, मुझे पता नहीं है, बट गाइस आपको पता होगा कि डोरेमोन 1973 अभी भी है, अभी अवेलेबल है। पर आप पूरा का पूरा फुटेज नहीं देख सकते, सामने स्क्रीन के दिख रहा है वो डोरेमोन 1973 है। तो गाइस आपको पता ही होगा कि डोरेमोन 1973 लॉस्ट है, बट क्यों है तो सारा बता रहा हूँ आज के वीडियो के अंदर। तो अब दोस्तों मैं मेरी वीडियो को शुरू करता हूँ। फ्रेंड, डोरेमोन 1973 का इस NNTV का एक नाम था, इसका नाम था निपॉन टीवी, NTV। फ्रेंड्स का इस टोटल 26 एपिसोड है, डिवाइडेड इनटू 52 सेगमेंट। फ्रेंड्स का इसका बहुत ही अच्छा रेटिंग भी चल रहा था NTV पर, NTV। सो दोस्तों बहुत अच्छा रेटिंग चल रहा था। बट गाइस इसका प्रेजेंट इसने इसको अच्छा ही लगा था। डोरेमोन 1973 फुजियो ने साइन अप किया था, तब वही टाइम पर दोस्तों इसने बोला था नहीं, अब मुझे ये सीरीज को नहीं चलाना है, मतलब मुझे पसंद नहीं है। और दोस्तों इसका एनिमे चल रहा था तभी भी गाइस इसका कुछ इतना कुछ खास नहीं था, मतलब कि इसका पूरा आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही लो था वो टाइम पर, सबके पास इतने कुछ पैसे नहीं थे, बजट इश्यू थे दोस्तों। दोस्तों अब हमें बोला गया था कि इसने अगर केरोसिन फायर की वगैरह से तोड़ डाला था, पर मात्सुमी जून ने बाद में बोला था ऐसा कुछ केस नहीं है, उसमें मेरे पास इसकी पूरी रील्स है, बस सम रील नहीं है इसके पास। तो इसका असल में रियल था, मतलब कि क्यों लॉस हुआ था, तो इसका असली कारण था कि इसके पूरे एनिमे था, अगर एनिमे होता है एनिमे इसके ना थोड़ा कुछ डीबंक आ गया, डीबंक ए मिसकंसेप्शन, आप गूगल में सर्च कर सकते इसका मतलब। इसके कारण पूरा एनिमे गाइस लॉस हो गया था बाद में। हाँ इसके दूसरी कारण एक हो रहा कि फुजिको पसंद नहीं था एनिमे, और एक और चीज़ है कि वो एनिमे था उसमें डेप्थ होता है, डेप्थ को रिकवर करने के लिए बड़े बड़ी कंपनी को दिया आधी आधी कैसेट हो गाइस। वो एक और चैनल पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था एंड निपॉन टीवी गाइस, बाद में शिकु गांको ने बोला था गया था स्टॉप करने के लिए, पूरे एनिमे को पूरा स्टॉप करने के लिए, अगर बच्चे होते हैं इसको कंफ्यूज हो जाए कई एनिमे कई असल में है, और इसका रेपुटेशन को भी बचाने के लिए शिकु गांको ने बंद कर डाला था। बाद में उसका फुजी डिसअपॉइंटेड भी हो गया था, असल में क्या था क्यों हुआ, बाद में डिसअपॉइंट होने के कारण बाद में इसका दूसरा एनिमे बन रहा था वो टाइम पर, असल में कुछ कह रहा था ये मेरा एनिमे नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। बाद में दोस्तों गाइस इसका अभी भी इमेज मतलब कि सारा रेपुटेशन अभी भी थोड़ा कुछ फुटेज बचा हुआ है, तो इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों गाइस 1995 के अंदर गाइस एपिसोड 18-20-26 वर फाउंड गाइस, मतलब कि वो मिल गए थे इन आई मैजिका, नोन एज फाउंड इन स्टूडियो रोज नोन एज स्टूडियो आई मैजिका। हाँ फ्रेंड, इसके अदर स्टेगमेंट भी फाउंड किए गए थे, मात्सुमी जून ने फाउंड किए थे इन 2003। बाद में फ्रेंड गाइस 1998 के अंदर एक वीडियो टेप रिकॉर्डिंग भी मिली थी गाइस दोस्तों डोरेमोन 1973 के अंदर एपिसोड 18B, पर मैं एक लेडी को असल में मिला था, बाद में सेंड किया गया था ऐसा बताया गया था दोस्तों इन 1998। बाद में दोस्तों की गाइस ये होने के कारण बहुत सारे जिनको डोरेमोन 1973 का थोड़ा कुछ अजीब भी लगा है। हाँ एक और फैक्ट है कि वही के वही लेडी थे इसके जल ने सेंड किया था वही का वही रिकॉर्डिंग, इसने गाइस एंडिंग और इसका पूरा सीम सॉन्ग इसने वो भी भेजा था थोड़ा कुछ इसका ऑडियो। मोस्टली दोस्तों गाइस इतना ही है आज के वीडियो के अंदर, गाइस नेक्स्ट वीडियो के मैं लाने वाला हूँ कि गाइस डोरेमोन 1970 मतलब कि डोरेमोन 1983 द रोबोट वॉर मूवी थी एक चाइनीज टाइवान के ने बनाया था वो क्यों लॉस हुआ था दोस्तों। तो गाइस अब गाइस मैं वीडियो को भी बंद कर रहा हूँ, तो गाइस बाय।